हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास सिक्स सेवन्थ और एट्थ के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों, आपकी ये वर्कशीट 15 फरवरी 2022 के लिए है, जिसका टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर है कब का? 2022 का। तो शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ पर एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ये हैं डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। जनवरी में कितने डेज होते हैं? जनवरी के मंथ में 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28 डेज होते हैं। मार्च में 31 डेज होते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक मंथ के यहाँ पर कितने डेज होते हैं कैलेंडर में दिए गए होते हैं। अब यहाँ पर है कि बाय लुकिंग एट द कैलेंडर, ऊपर कैलेंडर को देखकर यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पर दी गई डिटेल्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स को आप देख सकते हैं? जैसे कि अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो कितने मंथ्स होते हैं जनवरी से दिसंबर तक? 12। नेमली कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देयर आर 365 और 366 डेज इन अ ईयर। एक साल में 365 या फिर 366 दिन होते हैं। अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। एक लीप वर्ष जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। इन वन ईयर, एक साल में वी एक्चुअली हैव 365 1/4 डेज। एक साल में जो है, जो वास्तव में दिन होते हैं, वो 365 1/4 दिन होते हैं। सो आफ्टर 4 ईयर्स, और इसीलिए हर 4 साल बाद वी हैव 4 1/4। हमारे पास जो है कितने दिन होते हैं? 4 1/4 दिन होता है। दीज एड अप टू गिव 1 डे, और इन्हें मिलाकर पूरा एक दिन बनता है। इट मीन्स हम 4 1/4 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो वी हैव एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4th, और इसी कारण हमारे पास प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन अधिक होता है। दस एवरी 4th ईयर, और इसीलिए प्रत्येक चौथा वर्ष बिकम्स आ लीप ईयर, एक लीप वर्ष होता है। द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ आ लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4। एक लीप ईयर की जो बाद की 4 अंक होते हैं वो 4 से विभाज्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे कि 2012, 2016 एंड 2020 आर लीप ईयर्स। ये कैसे वर्ष हैं? ये लीप वर्ष हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। आप देख सकते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त कितने कितने दिन के हैं? ये जनवरी में 31 डेज हैं, मार्च में भी 31 डेज हैं, उसके बाद मई में 31 डेज हैं, उसके बाद होते हैं जुलाई में और अगस्त में, और उसके बाद 31 डेज होते हैं अक्टूबर में एंड दिसंबर में। अब बच्चों यहाँ पर है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। फरवरी को छोड़कर जो बाकी मंथ्स बचते हैं वो कितने दिन के होते हैं? 30 डेज के होते हैं। फरवरी हैज़ 28 डेज, फरवरी में 28 दिन होते हैं। इन अ लीप ईयर, और एक जो लीप वर्ष होता है, फरवरी हैज़ 29 डेज, उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। इट मीन्स 1 डे जो एक्स्ट्रा होता है वो फरवरी में होता है। अ वीक हैज़ 7 डेज, एक वीक में 7 दिन होते हैं। नेमली कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नाउ क्वेश्चन इज, फाइंड टू डेज डेट इन द कैलेंडर एंड सर्कुलेट। आज के कैलेंडर में आपको आज की डेट फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स यहाँ पर अब मंथ कौन सा चल रहा है? ये मंथ है फरवरी, और आज डेट है 15, तो हमें 15 डेट को कैलेंडर में फाइंड आउट करके उसे सर्कल करना है। तो ये है यहाँ पर फरवरी का कैलेंडर, इसमें 15 यहाँ पर है, तो आप बच्चों आप इस तरीके से इसे सर्कल करेंगे। अब यहाँ पर है मार्क योर फैमिली मेम्बर्स बर्थडे इन द कैलेंडर। आपको कैलेंडर में अपने फैमिली मेम्बर्स के बर्थडे को मार्क करना है विद डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकृतियों से, जैसे कि स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एटसेट्रा। आप कोई भी शेप जो है यूज़ कर सकते हैं एंड फिल द फॉलोइंग टेबल, और टेबल को फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर सीमा है, सीमा की डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1971, इट मीन्स 5 जून 1971, और सुरेश की है 1 जुलाई 1968। तो यहाँ पर सीमा के बर्थ के लिए क्या दिया गया है? सर्कल शेप बनाई गई है, और सुरेश के लिए यहाँ पर स्क्वायर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमें
ये है जून, तो यहाँ पर 5 तारीख का है सीमा का बर्थडे, तो यहाँ पर सर्कल कर देंगे। उसके बाद सुरेश का है 1 का, तो यहाँ पर स्क्वायर बना देंगे। तो बच्चों आप इस तरीके से अलग अलग शेप्स को सभी के बर्थडे के लिए यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज़ द कैलेंडर इन योर डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में कैलेंडर का यूज़ किन किन उद्देश्यों से करते हैं और कब करते हैं। डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, आप अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करिए। तो आंसर है, वी गेट टू नो द ईयर मंथ एंड डे फ्रॉम द कैलेंडर। कैलेंडर से हम किस किस का पता लगाते हैं, महीने का, साल का और दिन के बारे में जानते हैं। इट हेल्प्स अस टू रिमेंबर ऑल द डेट्स एंड इवेंट्स, ये जो है हमें सभी घटनाओं और तारीखों को याद रखने में मदद करता है। एवरीवन कंप्लीट्स द वर्क ऑन टाइम विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की सहायता से सभी जो है अपने कार्य को समय पर पूरा करते हैं। वी कैन ऑल्सो मैनेज ऑल द टास्क, हम सभी कार्यों का प्रबंध भी कैलेंडर के द्वारा ही कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डेट्स ऑफ द फेस्टिवल्स फ्रॉम द कैलेंडर, हम कैलेंडर से त्योहारों की तारीखों का पता लगा सकते हैं। वी गेट टू नो द मंथ्स ऑफ द सीजन फ्रॉम द कैलेंडर, हम कैलेंडर से जो मौसम हैं उनके मंथ्स को जान सकते हैं कि कौन कौन से मंथ्स जो हैं उनके अलग अलग मौसम होते हैं। द कैलेंडर टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच मंथ, कैलेंडर हमें प्रत्येक मंथ की महत्व को बताता है। वी टेक द हेल्प ऑफ कैलेंडर टू कम्प्लीट द लिस्ट ऑफ आर टास्क, हम कैलेंडर की हेल्प से अपने जो वर्क हैं उनकी लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। विच वर्क वी हैव टू डू ऑन विच डे, कि हमें कौन सा कार्य किस दिन करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।